अगली खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां योगी सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 24 साल के बाद प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में वृद्धि का निर्णय लिया है। साथ ही सीएम योगी की प्रधानता में लोक भवन में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों के लिए वर्तमान छात्रवृत्ति दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि इससे पहले 2001 में छात्रवृत्ति तय की गई थी। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 14 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 13 प्रस्तावों को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रथम कक्षा के 6वीं 7वीं और छात्रों को छात्र के जाने की व्यवस्था की गई है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी प्रेस प्रतिनिधियों का तथा मीडिया प्रतिनिधियों का स्वागत है। मैं सबसे पहले आज मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 14 प्रस्ताव आए थे, जिसमें से 13 प्रस्ताव पर माननीय मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। एक प्रस्ताव जो है वो पुनर्विचार के लिए गया। 13 प्रस्ताव में सबसे पहले मैं आदरणीय श्री स्वतंत्र देव जी से अनुरोध करूंगा कि उनका जो क्रम संख्या 3 पर है, ये उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2024 आई है,